أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون आठ बजने को है हमारे जो जिम्मेवारान हैं कम से कम आप लोग तो सुकून से बैठ जाइए जो कमेटी हैं आपकी भी संजीदगी हमको शुरू से अभी तक नहीं मिल रही है श्री मजलिस को चाय से गर्म कर चुके हैं आप बंद कीजिए ये दीनी इजलास का मजाक मत उड़ाइए ज़रूरत हो तो अलग बात है अब तो लग रहे हैं जलसा के बहाने चाय की दुकान खोल रखे हैं ये कुर्सियां जितनी खाली पड़ी है कहूं तो आपको बुरा लगे आपके इस मजलिस में भी लगता है फितना बरपा हो चुका है हमें लग रहा है घड़ी में आठ बज चुका है और कुर्सियां खाली पड़े किसी शायर ने कहा था घर में आग लग गई घर ही की चिराग से और किसी ने कहा कि मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था हम अपने आप लूट रहा हूं समझो समझो आप कहोगे मलिक साहब तो फिल्म का शायरी पढ़ने लगे कोई भी फिल्म की शूटिंग जब चलती है तो हजारों बार सोचकर सोचना पड़ता है तो आप फिल्म की हिस्टोरी थोड़े ही समझते हैं आप तो पतली कमर और बनारसी साड़ी का डिजाइन से देखते हैं मफहूम कहाँ समझ रहे हैं मेरे भाई अल्लाह के वास्ते मैं पीछे वाले जितने हजरात बैठे हैं अब सामने आ जाएं कुर्सियाँ फूल कर लें आप जो इश्तिहार में अभी न्यू न्यू दो मुकर्ररीन आपके सामने आए हुए हैं कम से कम उनकी तो इज्जत होनी चाहिए अब कुर्सियां खाली पड़ी रहेगी वो बाहर का मेहमान आपका मोहल्ला का प्रचार करेगा कि नहीं मौलवी लोगों की आदत बड़ी ख़राब है आज का प्रोग्राम कर रहा हूँ कल प्रोग्राम में आपकी बात को छेड़ूंगा भाई चाय बहुत मिली थी हमको कुछ मिले ना मिले मस्जिद का कनेक्शन का प्रोग्राम था प्रोग्राम हो या ना हो लेकिन चाय के बाजार गर्म थी तो बोलेंगे भाई मजलिस को ठीक कर लीजिए आप लोग अल्लाह के वास्ते मजलिस को ठीक कर लीजिए हमें कंधों में कंधों मिलाकर दीनी प्रोग्राम में एकता होना चाहिए इत्तेहाद का प्लेटफार्म पर हमें खड़ा होना चाहिए मुसलमानों आज फिर हम क्यों परेशान हैं अरे बाबू है एक काली पूजा वाला मेला नहीं है बाबू चुप आप अगर मोबाइल में देखते हैं चार से पांच रोज होगा एक वाकया आपने उड़ीसा तिनसुकिया केलापुर का सुने होंगे फेसबुक में देखे होंगे
आज मस्जिद का इमाम को बेरहमी से मार मार कर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। अभी 4 रोज पहले की खबर है। आप थोड़ा सा टटोलिए, हम खुद ही ठीक नहीं हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको एक होता होना चाहिए, लेकिन मैं करता क्या हूं? दीनी जलसों के अंदर भी फितना बर्पा करने वाला मुसलमान, चोरी करने वाला कौन मुसलमान, हर बुराइयों में आगे बढ़कर देखो तो मुसलमान, और एक तरफ देखो तो भिखारी भी ज्यादा है तो मुसलमान, मुसलमानों में देखो तो फकीर ज्यादा नजर आएंगे। क्यों ये हालात क्यों है? अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, जहर अल फसाद बिमा कसबत, जहर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदिन्नास। और एक जगह में अल्लाह ताला फरमाया, वला तहिनु वला तहजनु वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। इन दोनों आयत को समझिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का वादा है, कुरान खोल कर देखो। आज मौजूदा दौर में कुरान पढ़ना बिल्कुल आसान हो चुका है। कोई जरूरी नहीं कि अरबी जबान में कुरान आपके सामने में पढ़ी है, नहीं, अगर आप हिंदी पढ़ने जानते हो तो कुरान को आज हिंदी जबान में भी तैयार कर दी गई है, अंग्रेजी जबान में ही कुरान को तैयार कर दी गई है। मेरे प्यारे साथियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, पढ़ो, अल्लाह का वादा है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे बंदो, रूए जमीन में अगर कोई जज बनेगा तो मेरा बंदा बनेगा, अगर कोई ऊपर से ऊपर पोस्ट पर जाएगा तो मेरा बंदा जाएगा। और सुनो, ऐ मेरे प्यारे बंदो, तुम दुनिया के अंदर तुमसे ज्यादा इज्जत का मालिक कोई दूसरा कौम नहीं होगा, तुमसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, इस आयत को रखो और दौरे दौरे हाजरा को टटोलो। आज मुसलमान बीएड कर हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, इंटर कर बैठे हुए हैं, इंजीनियर कर लिया बैठा हुआ है, कोई नौकरी का नाम नहीं है। ये बीएड करने वाला या तो किराना दुकान खोल कर बैठा हुआ है या कोई बिजनेस में लगा हुआ है। अल्लाह एक तरफ फरमा रहा है, आए मेरे बंदो, मेरा वादा है, ज्यादा से ज्यादा अगर इज्जत का मालिक बनेगा तो तुम ही बनोगे। ये अल्लाह का वादा है। इस आयत को सामने रखो और देखो मुसलमान कितनी इज्जत पा रहे हैं। मुसलमानों को तो मौजूदा दौर में मूली और गाजर की तरह से काटा जा रहा है। क्यों? क्या कुरान गलत है? नौज़ुबिल्लाह, कुरान गलत है नहीं। अल्लाह ताला ने कुछ शर्त लागू किया था। मेरी बहनों सुनो, कभी तुम्हारे हिजाब पर पाबंदी लगाई जाती है, कभी बुरके पर। हमारे कॉलेज पर आओगी तो बुरका नहीं चलेगा, पाबंदी लगते। क्यों? अल्लाह ताला ने वादा लिया, ऐ मेरे प्यारे बंदो, मेरा वादा है कि रूए जमीन में अगर कोई इज्जत का मालिक बनेगा तो तुम बनोगे। हाँ, शर्त है कि तुम ओरिजिनल मुसलमान बनकर दिखाओ, तुम कट्टर मुसलमान बनकर दिखाओ। जाड़े के मौसम में कंबल में सोने वाला मेरी बेटियों, रजाई की गर्मी में सोने वालों, तुम्हारा इमाम मस्जिद में पुकार रहा है, अस्सलाम तो खैरुम मिनन्नाम। ये शब्द जोहर की अजान में नहीं।
नहीं मिल रही है, असर की अजान में नहीं मिल रही है, मगरिब की अजान में नहीं मिल रही है, ईशा की अजान में नहीं मिल रही है। मुसलमानों तुम अपने धर्मों को समझो। कभी तुमने किसी मौलवी से पूछा, कभी तुमने कोई मौलवी से राबता किया, मौलाना है हमारे मस्जिद के इमाम आप जरा बताइए, असला तो खैर मिनन्नाम जोहर में नहीं मिली, ये भाषा असर में नहीं मिली, मगरिब में नहीं मिली, ईशा में नहीं मिली। मेरे मौलाना बता दो कि आज फजर की अजान में पूरी दुनिया के मुअज्जिन सदाएं बुलंद करते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन्नाम। कभी आपने पूछा, कभी आपको तौफीक हुई, आप पूछोगे क्या ऐरो गैरो नत्ता खैरो, यहाँ का ईटा वहां का रोड़ा, खान मदीना खंबा जोड़ा, आपके सवाल में कोई जान नहीं है। आप तो पूछोगे मौलाना बगैर टोपी की नमाज होगी, ये है अकीदा। कोई काम कोई मतलब का सवाल नहीं है, और टोपी का सुन लो, टोपी का ताल्लुक नमाज के साथ है ही नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं मस्जिद में, बुरा मत मानिएगा भाई, इन लोग को थोड़ा सा, ये लोग किसी तरीके से मस्जिद में पहुंचे हैं, और कब पहुंचते हैं मालूम है, अक्सर देखिएगा मैं और आप नमाजी हूं, अक्सर देखिएगा किसी की बीवी मर गई, हम मौली साहब के सामने अफसोस का इजहार कर रहा हूं, मौली साहब बीवी चली गई तो क्या करना चाहिए, तो मौली साहब बोलते हैं अब तो मस्जिद में आओ, मस्जिद में नमाज पढ़ो, क्योंकि बेनमाजी की दुआ कबूल होती नहीं है। तो बीवी का सदमा चार पांच रोज रहा होगा, ये पक्के नमाजी बन गए, पांच रोज के बाद देख रहा हूं अब मस्जिद में एक रोज असर में गायब हुआ। कल पूछे साहब कल असर में कहां थे, बोले अरे चाय की दुकान में, उधर ही पढ़ लिया था। अब दूसरे रोज देख रहा हूं जोहर असर दोनों में गायब। तीसरे रोज पूछ रहे हैं भाई बीबी की सदमा दूर हो गई क्या, बीबी तेरी जन्नत चली गई क्या। मौली साहब आप अपना काम कीजिए, इतना मत बोलिए, जब पढ़ने का उम्र होगा तो पढ़ लेंगे, ये बीबी की सदमा में नमाज पढ़ने पहुंचे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है पहले तुम पक्के मुसलमान होकर दिखाओ। मैं आप लोगों से एक सवाल कर लेना चाहता हूं, अगर चाहो तो यहीं पर खड़े होकर जवाब दे दो। जुमे की नमाज पढ़ने वालों, सिर्फ जुमा में मस्जिद में जाने वालों, अरे बिजली का पोल देख रहे हो, बड़ी तेजी से तूफान चली है, आम का पत्ता से दो चार पत्तियां उड़कर बिजली के पोल में चिपक गई हैं। मैं आपसे पूछूंगा ये दो चार पत्तियां जो पोल में लग गई है, अरे उसे आम का पेड़ बोलो, लेने मौलाना चार पत्ता लगने से वो आम का पेड़ नहीं, वो तो बिजली का पोल ही है। मेरे प्यारे भाइयों, तो दो चार काम करने वालों को इस्लाम मुसलमान कैसे कहेगा। बिजली के पोल के लिए शर्त है पूरे के पूरे आम हो, पूरे के पूरे आम हो, लेकिन चार पत्तियां लगने से जैसे ही आप उसको आम का पेड़ कहने को तैयार नहीं है, आप जुमा की नमाज पढ़ लेने से, आप रोजे रख लेने से, आप कभी सदका कर देने से, इस्लाम का दो चार काम कर लेने से इस्लाम आपको मुसलमान नहीं कहता। इससे पता चला कि हम असल में मुसलमान हुई, जब नहीं हो तो फिर अल्लाह अपने वादा पर रहेंगे, फिर हमें कटवाएंगे, हमें जलीलो खार करेंगे, कौन अल्लाह का। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नौजवानों, आज देखा जाए बाबरकत जलसों को भी आज मुसलमान होकर फितनों में बदल रहा है। बुरा लगे तो माफ कर देना,
पसंद नहीं तो माइक हमसे छीन लो, लेकिन मैं तो हक बोल कर रहूंगा। कोई अगर दावत करे चलो जलसा में, चलो मुगल पाड़ा में जलसा हो रहा है, इन भाई दुई है दावत मिली है, आज मेरे मुसलमान की अकल कहाँ गुम हो गई है। ये कहते नहीं नहीं, उनका मोहल्ला में उनके पंचायत में मैं जलसा में जाने वाला नहीं। मेरे प्यारे भाई, कुरान ने तो तुम्हें मुसलमान का रिश्ता गठन किया था, मुसलमान का रिश्ता बांधा था, लेकिन आज हम उन रिश्तों को तोड़ रहा हूँ, हम उन रिश्तों को चकनाचूर कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए आज मुसलमानों की दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही है। कभी तो मुसलमानों को पकड़कर मारा जा रहा है, कभी पर कभी देखो अजान पर पाबंदी लगाई जा रही है। अफसोस मत करो, कभी तो तुम मुसलमान होकर मस्जिद में अजान देने का तुम्हें तौफीक नहीं हुआ है, कभी तो तुम अजान देने पहुंचे नहीं है। जब तुम नाम का मस्जिद बना रहे हो, मस्जिद में एसी लगा रहे हो, लेकिन मस्जिद को अगर आबाद ही नहीं कर रहे हो तो ऐसी मस्जिद को रख के क्या फायदा है। मेरे प्यारे साथियों, आपका मुअज्जिन ही क्यों अजान देगा? आप मुसलमान हो, आप अजान देने की तुम्हारे अंदर जुरत क्यों नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे घरों का बच्चों को पूछ लिया जाए, बाबू जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सलाम सिखला कर गए हैं, दुनिया में जो सलाम सिखला कर गए हैं, जो मेरा कुरान सलाम का शिक्षा दे रहा है, बेटा आज हमारे जलसों में दूरों दराज से उलमा आए हैं, चलो जरा नबी वाला सलाम बोलकर सुना दो। मेरे प्यारे साथियों, आपका लड़का है, जो आपका लड़का गैर कौमों का सलाम तो दे सकता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सलाम सही तरीका से अदा नहीं कर पाएगा। आपका लड़का देखो सुबह हो जाए, मेरे प्यारे साथियों, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह के करेक्टर को मुकद्दम रखना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप स्कूलों में ना पढ़ाओ, आप अंग्रेजी ना पढ़ाओ, नहीं, दुनिया में टूर करने के लिए, दुनियादारी करने के लिए दुनिया भी तालीम का शिक्षा देना भी जरूरी है, लेकिन पहले मुकद्दम रखो इस्लाम। आपका बेटा है, आप कोई आलमीन मशीन में, आप कोई हॉस्टल में रखे हैं, और सुबह में एक लड़का फोन के जरिए से अब्बा को बोलता है गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग, ये पूरे लोगों के बीच फखर करता है, मेरा लड़का बहुत तालीम याफ्ता हो चुका है। बोले कैसे? बोलते अंग्रेजी में सलाम देता है, बड़ी खुश। अरे मेरे भाई, आप मीनिंग अगर समझ लिए होते तो सलाम को डिलीट करवा दे अपने बच्चों की जबान से, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम का प्रैक्टिस जरूर करवाते। आप मीनिंग नहीं जानते, आओ आपको हम मीनिंग भी बदला देता हूँ। कोई मास्टर हो या स्कूल वाले तो होंगे ही, उन्हें तो मालूम है अस्सलाम वालेकुम का मीनिंग मालूम ना हो, लेकिन गुड मॉर्निंग का अर्थ तो मालूम है। ये भी एक दुआ है, गुड मॉर्निंग ये भी एक दुआ है। कितनी बड़ी साजिश चली है मुसलमानों, टटोलो तुम्हारी जहन कहां चली गई और तुम्हारा दिल का रुझान कहां गया? मेरी बेटियों, तुम अपनी बेटियों को गुड मॉर्निंग का तालीम दो, बाद में दो, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम का कल्चर करो। मेरे प्यारे भाइयों, गुड मॉर्निंग सुनो जरा, इसके अंदर कितना बड़ा साजिश चला है। दुनिया के अंदर जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का पैगाम लेकर आए, लोगों को अंधेरा से निकालने की कोशिशें की। मेरे नबी का उस वक्त से लेकर आज तक भी मोहम्मद का दुश्मन है। जब मुसलमान, जब मोहम्मद के मानने वालों मीठी सूर से कहते
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दुनिया के लोगों ने, दुनिया के दुश्मनों ने कोशिश किया मुसलमानों की बच्चों की जबान से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सलाम को कैसे छीना जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सलाम को कैसे बंद किया जाए।